सर आप बेफिक्र रहिए, हम पूरी कोशिश करें। जी जय हिंद सर। अगर हम इसके घर के पास एक जगह सीसीटीवी लगा है, लेकिन उस घर का मालिक परवेज अपने परिवार के साथ लखनऊ गया शादी अटेंड कर, उसके वापस आने के बाद ही हमें सीसीटीवी फुटेज मिल पाएगा। उस लड़की के बारे में कुछ पता चल सर? उसके फोटोग्राफ सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो, खबरियों को भी काम मिला रखेंगे। सारे ज्वेलर्स, रेस्टोरेंट दारों और जितने भी पुराने सामान खरीदने बेचने वाले सबको खबर कर दो। समझ में नहीं आ रहा इस लड़की का क्या कनेक्शन है लोगों के साथ, आखिर वो वहां पर क्या उसे क्यों मारा? हो सकता है इस लड़की की वजह से ही पति पत्नी मार गए, या फिर पति पत्नी की वजह से ये लड़की। ये दोनों ही एंगल्स को हमें अच्छी तरह से टटोलना होगा। उम्र तो 18 है, झूठ तो नहीं बोल रहा भाई? ऐसा है, इन लड़कियों के कोई कागज वागज होते हैं अभी तो बनवा लो, जो तेरी मर जाए उम्र लिखवा लो। ये रही आपकी चाय। अरे ये बैग, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं, तुम जा रही हो। ये क्या कर रहे हो अशफाक? मैं तो आपकी बीवी हूँ ना, आपने मुझे निकाल दिया था अशफाक। अशफाक रो के इसे लेके जा इसको। ये सब कहाँ से ले आया? बंदोबस्त हो गया। ये तुमने ठीक नहीं किया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाने दो, छोड़ दो प्लीज, मैं तुम्हारी बहन बनती हूँ। झेलना पड़ेगा। मैंने तो अपना काम कर दिया, देखते हैं बर्फ कब तक पिघलती है। देखो परवीन, मुझे लगता है हमें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं, हम नहीं बताएंगे। पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दिया करते थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे, भूल नहीं पाएंगे हम। पूरे मार्केट में गम और गुस्से का माहौल है सर, अब इनके जैसा नेक इंसान कहाँ मिलेगा? अब हमारे संगठन की मांग है सर कि जल्द से जल्द के कातिलों को ढूंढ निकालिए। Thank you.
सुन चचा, कल से रेस्टोरेंट खोलते हैं, हम बैठेंगे रेस्टोरेंट में। समझने में गलती।